है सवाल यह है कि नमाज इशराक क्या है उसका क्या तरीका है अगर हम कम से कम अल्फाज में कहें तो नमाज इशराक का मतलब यह कि सुबह नाश्ते के वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है उसको नमाज इशराक कहते हैं ये सूरज बुलंद हो जाने के बाद सूरज तुलू हो जाने के बाद एक नमाज होती है उसको चाश्त की नमाज़ भी कहते हैं और वह नमाज मशरू है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से, सुन्न से साबित है उसके बहुत सारे तरीक़े हैं लेकिन आम तरीक़ा ये है कि आदमी दो रकत नमाज़ पढ़े बिल्कुल वैसे ही जैसे आम नमाजें पढ़ता है यानी उसके लिए उसको वज़ू करना पड़ेगा तकबीर बोलना होगा रुकू सजदा जैसे दो रकत नमाज़ पढ़ने का तरीका है आम नमाजों में दो रकत जैसे पढ़ता है ठीक इसी तरह से दो रकत चाश्त के वक्त वो पढ़ ले वजू करके तो उसको चाश्त की नमाज़ कहते हैं कोई अलग तरीक़ा इसका नहीं है